राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ हिंगना तालुका द्वारा बालाजी नगर में सत्कार समारंभ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शुरुआत की गई। इस राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बब्बन राव तायवाड़े के हाथों राजू भाऊ चौधरी का सत्कार किया गया और उन्हें नागपुर जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त कर नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर नव नियुक्त राजू भाऊ चौधरी ने जो ओबीसी की बात करेगा वही देश पर राज करेगा के नारे लगाए। कार्यक्रम के अध्यक्ष बब्बन राव तायवाड़े वहीं महासचिव शरद जी वानखेड़े, युवा अध्यक्ष सुभाष घाटे, युवा सचिव राजकुमार घुले, महिला अध्यक्ष कल्याणी ताई मानकर, विभागीय महिला अध्यक्षा नेनाताई झाड़े, नवनियुक्त जिला परिषद सदस्य रश्मिताई कूटकुले, सदस्य लीला धरजी पटले, विदर्भ अध्यक्ष विजय पटले, विदर्भ अध्यक्ष सुरेंद्र मोरे, उद्योजक प्रभाकर जी देशमुख, सामाजिक कार्यकर्ता नाना सतपुते, लीलाधर देशमुख, रवि भाऊ देशमुख, संदीप चौधरी, ज्येष्ठ नागरिक बाजीराव जी सराटकर ने प्रमुख उपस्थिति दर्शाई। कार्यक्रम का सूत्र संचालन इसरासनी ग्राम पंचायत सदस्य प्रीति ताई राउत ने किया, वहीं प्रास्ताविक बब्बन राव पड़ोले ने किया और आभार दिलीप राउत ने माना। कार्यक्रम को सफल बनाने में हिंगना और नागपुर कार्यकारिणी के पदाधिकारी और संगठक चंद्रशेखर राउत, साइली थोटे, अनिल मरोड़कर, राम सपकाड़े, गजानन शिवरकर, अरविंद आदने, विजय सराड, गजानन लांजेवार, प्रदीप कोटकुले, गजानन नाकाड़े, गणेश काकड़े, सुनील वासाड़े, भारत गायधने, प्रफुल्ल काकड़े, गजानन भोयर, करिश्मा थोतलरकर आदि ओबीसी भाइयों ने सहयोग किया। अपने कोर्टा में जी गेला है तो अपने कोर्ट जी है तो निर्णय दे अपने जी है तो त्यांच्यावर आहे। आता ते काय करतात, आमची सत्य बाजू आहे, आम्ही लढून राहिलेलो आहोत ओबीसीसाठी, आम्ही लढणार। ते मग महाराष्ट्र सरकार असो की केंद्र सरकार असो, तिथे आम्ही आंदोलन करणार। आमचे हक्क जे आहे आम्ही मागणार, त्यांच्याकडून घेणार, म्हटलं म्हणजे घेणार आणि रोडवर पण उतरणार आम्ही। एनबीसीएन न्यूज के लिए कैमरामैन अजीत कुंवर के साथ आशीष गुणाड़े की रिपोर्ट।